actually anatomy of the coronary artery. Angioplasty surgery is only the technique by help of which blockage can be resolved. But in the worst case, CABG technique is performed, which is open bypass surgery. तो CABG टेक्निक जो है यही परफॉर्म किया जाता है. एंजियोप्लास्टिक एंजियोप्लास्टी जो होती है, चाहे स्टेंट का प्लेसमेंट हो या बलून एंजियोप्लास्टी सर्जरी हो, ये सारी चीज़ों को साइड कर देते हैं तब जब इनसे संभव नहीं हो. तो संभव किससे होता है? CABG और उससे अलाउ कर दिया जाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड को. तो आज इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि बाईपास ग्राफ्ट करने के लिए दो जगह से आर्टरीज को कहीं से भी लिया जा सकता है. तो पैर से यूजुअली सेफेनस वेन को लिया जाता है और सेफेनस वेन से और एक जगह से ले लिया जाता है थोरैसिक आर्टरी. तो थोरैसिक आर्टरी से जब लिया जाता है तो सब क्लेवियन आर्टरी देखते हैं गर्दन के पास होती है, सब क्लेवियन आर्टरी से बाईपास बना करके हार्ट के उस रीजन तक ब्लड को दे दिया जाता है. या सेफनस वेन होगा ना तो क्या करेंगे कि सप्लाई करते हैं ऐसा कि सेफनस वेन से एओर्टा को कनेक्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पे हम लोग एक तस्वीर को देखते हैं जिसमें एक ब्लॉकेज है. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ब्लॉकेज. तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज कुछ इस जगह पे हुआ है, जो ऊपर से तो नहीं दिखाई देगा लेकिन एंजियोग्राफी होगा तो पता चलेगा. यहाँ पर जो नली है ये ब्लॉक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ब्लड आएगी, यहाँ से यहाँ तक, उसके नीचे ब्लड नहीं जा रही है. तो इसके नीचे ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या किया गया? एओर्टा से एक सेफनस वेन को कनेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिया गया, बाईपास हो गया. जो ये वाला सप्लाई आ रहा था यहाँ से रुक गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बाईपास का रास्ता बना लिया गया, कोई दिक्कत यहाँ पे. अब जो दूसरी टेक्निक होती है उसमें यह होता है कि आपको थोरैसिक आर्टरी का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो यह कनेक्शन को एओर्टा से ना दे करके सब क्लेवियन आर्टरी से दिया जाता है. और सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ होती है? नेक के पास होती है. तो चलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्ट के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्यों किया जाता है. देखिए इसको करने का पर्पस और रीजन ये है कि हार्ट में जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो नेक्रोसिस होगा, वहां पर के सेल मरेंगे. सबसे पहला ब्लड वहां तक पहुंचाना है, रीस्टोर करना है ब्लड, हार्ट के जो मसल को और सेल्स को जहां तक ब्लड चाहिए वो मिले और चेस्ट पेन से रिलीफ मिले. इससे कि जो ये कंडीशन होता है ना ब्लॉकेज की वजह से, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है, इस्कीमिया की वजह से जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है. तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं ये कि ये इम्प्रूव कर देता है पेशेंट के क्वालिटी लाइफ को. और चौथा पॉइंट ये है कि पेशेंट जो है अपने नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अपने ज़िंदगी का जो साइकिल है. और लोअर रिस्क फिर हार्ट अटैक का होगा. हार्ट अटैक का रिस्क क्या होगा? लोअर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम से हार्ट अटैक होता था वो प्रॉब्लम को आपने क्या किया? ठीक कर दिया है. अब ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा? देखते हैं, कुछ तस्वीर वगैरह है तो ये सब को क्या बताएं. यहाँ तो देखिए, एक तो एंजियोग्राफी हो गई, तो एंजियोग्राफी से ये डिटेक्ट हो गया कि भाई कहाँ पे ब्लॉकेज है. आइदर जो जांच होगी उसमें एमआरआई भी कराया जा सकता है. एमआरआई क्यों करेंगे? एमआरआई एंजियोग्राफी करा ले या सीटी एंजियोग्राफी कराए जिससे हमें वस्कल का पता चल जाए. ईसीजी होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है, और इकोकार्डियोग्राफी होती है. कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जाती है तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी एमआरआई के माध्यम से होगी या सीटी स्कैन के माध्यम से होगी. तो दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे एमआरआई को इसने चूज़ किया है, दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जिसमें एटलीस्ट वन मेजर आर्टरी की जरूरत पड़ेगी. ट्रेडिशनल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, मोस्ट कॉमन कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जो होता है उसमें एक मेजर आर्टरी की जरूरत होती है बाईपास करने के लिए. अब कोई भी मेजर आर्टरी की, अच्छा ये भी चेक होगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, और ये प्लानिंग की जाती है
के बाईपास किस तरीके से बनाना है, वेदर डायरेक्ट फ्रॉम आयोटा, है ना, आयोटा से बनाना है, सबक्लेवियन से या कहीं और से, या कहीं और से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब चूंकि ये जो एक प्रोसेस है ना ट्रेडिशनल कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट का, ये टेक्निक बड़ा आधुनिक है, एडवांस टेक्निक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था कल आपको, तो उसमें एक दवा का जिक्र आया था कि ऐसी दवा दिया जाता है जिसके हार्ट को रोका जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी तरह के सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। अगर देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि जो वेसल है, एक वेसल है, ये वेसल है ना, और इससे दूसरे वेसल को जब जोड़ा जाता है, इससे दो वेसल को क्या किया गया, जोड़ा गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको डॉक्टर साहब ने चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, माइक्रो सर्जरी करते हैं। माइक्रो सर्जरी के बाद भी कई बार क्या होता है ना, फेल कर जाता है। क्या चीज़ फेल करता है, लीकेज करने लगता है, सर्जरी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को करने के लिए हिलते हुए हार्ट पर क्या संभव है, संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, है ना। आप किसी काम को करिए, आपको कॉपी को दे देंगे, ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे अपने घर का एड्रेस लिखिए, लिखिए, तो ऐसे हिलाते रहेंगे तो क्या आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं। जब एक मामूली सा काम जिसको हम लोग कहते हैं राइटिंग, उसके लिए भी टेबल नहीं हिलना चाहिए, आइए तो सर्जरी है, वो माइक्रो सर्जरी है जिसके लिए हार्ट को अस्थाई होना चाहिए। बात समझ गए, समझ गए। तो हम लोग अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट लंग मशीन। एक ऐसी मशीन हो जो हार्ट और लंग, वो आर्टिफिशियल मशीन होगा। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर ये जो कैंची जैसा लग रहा है ना, ये क्या है, ये एक फॉर्सेप है जिसमें टूथ जैसा होता है, इससे जो है ना दांत दांत दबा दिया गया, लेकिन ये इतना स्मूथ होगा कि ये काटेगा नहीं, है ना, ये चाप देगा, रास्ते को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये जब रास्ते को ब्लॉक करेगा, यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो क्या आयोटा का ब्लड बॉडी में जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये क्या किया गया कि एक कनेक्शन को काट दिया गया, जितने भी इवेंट सुपीरियर वेना कावा को भी रोक दिया गया हार्ट के अंदर ब्लड डालने से, है ना, हार्ट से बाहर निकालने से भी रोक दिया गया। तो हार्ट को कैसे, एक इसको चाप करके, इसको लॉक करके, और ये लॉक जिस चीज से किया गया है, क्रॉस क्लैंप ऑफ द आयोटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉस क्लैंप ऑफ द आयोटा एंड क्रॉस क्लॉपिंग इज डन ओवर हियर, यहाँ पे कर दिया गया, इसको लॉक किया गया, लॉक कर दिया गया। अब हार्ट को ना ब्लड मिल रही है, आ रही है ना जा रही है, हार्ट का एक अरेस्ट भी हो जाएगा, रुकेगा भी, फंक्शन उसका क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए अब इसके फंक्शन को जब रोक दिया जाता है तो हार्ट अस्थाई हो जाती है। लेकिन आप देखिए यहां पर से वेन एक हो गया, कौन सा वेना कावा है, देखिए तो सुपीरियर वेना कावा, और एक हो गया इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया गया और इंफीरियर वेना कावा से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया गया, और ये क्या किया गया कि एक वेनस रिटर्न हो रहा है, ये मशीन में जा रहा है ना, और तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये डायरेक्ट एक हार्ट लंग मशीन में देता है। हार्ट का काम यहां से खत्म हुआ, इसे कि हार्ट को लॉक कर दिया गया, एक क्रॉस क्लैंपिंग करके इसको रोक दिया जाता है, हार्ट के लिए दवा दी गई जिससे हार्ट का फंक्शन रुक गया। सुपीरियर वेना कावा है उसके डायरेक्ट ब्लड को रिसीव किया जाता है एक मशीन से, और इसमें बहुत सारे पंप चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर की तरह, कल दिखाया था ना वीडियो में, ऐसे ऐसे चलता है। ये क्या करता है कि ये सक्शन का काम भी करता है, ये जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेता है, और ये मशीन अपने अंदर से इसके अंदर लंग वाला काम होता है। यानी कि होता क्या है,
कि नाउ दिस मशीन विल कन्वर्ट दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड. दैट्स व्हाई दिस मशीन इज सेड एज हार्ट लंग मशीन. हार्ट का काम क्या होता है कि रिसीव करना और पंप करना, रिसीव करना पंप करना. तो ये भी वही काम कर रही है, ये रिसीव भी कर रही है और पंप भी कर रही है. ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट लंग मशीन. हार्ट लंग मशीन बिहेव लाइक हार्ट एज वेल एज लंग. सो इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी system in which there are pumps also and there are such type of things which do work of the lung, and the function of lung is to exchange of the gases, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और ऑक्सीजन को लेना. तो यहाँ से वो काम हो रहा है. पहले तो यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और ये खींचेगा और ये पंप भी करेगा, और पंप करेगा एक साइड से सक करने वाला, दूसरे साइड से ये पंप करेगा. तो जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ये पूरी मशीन के अंदर का इतना छोटा व्यू नहीं हो सकता, मशीन काफ़ी बड़ी है, तो अंदर में बहुत सारे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है इस ब्लड को. बहुत सारे प्रोसेसिंग से ब्लड को ले लेना बड़ी बात नहीं है, लेने के बाद इसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और वहाँ से ऑक्सीजन को इसमें डालना. इसमें क्या डालना, ऑक्सीजन को डालना, और ऑक्सीजन डालने के बाद ये चीज को एक दूसरे पंप से फिल्टर होते हुए आपको आयोटा में ऐसे जगह पे लगाना जहां से फुल बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो. अब जितने देर ये मशीन चलती रहेगी, इंसान जिंदा रहेगा विदाउट नीड ऑफ हार्ट, और जब ये मशीन रुक जाएगी तो वो आदमी का काम होना बंद हो जाएगा. अब समझिए कि ये काम कैसे किया जाता है. इस प्रोसीजर को करने के पहले सबसे पहले मुंह में एक ट्यूब को डाली जाती है एकदम डीप अंदर तक, ठीक है, नाक के माध्यम से एक ट्यूब को डाला जाता है और एक यूरिनरी यूरेथ्रा के अंदर जो है एक ट्यूब डाला जाता है जिससे पेशेंट का जितना भी यूरिन है वो पास आउट करे. जब भी जाँच होती रहेगी ना तो उसका जो है यूरिन बंद कर, उसका जो यूरिन है वो पास आउट होता रहेगा, ठीक है. तो नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं कि मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक अल्टरनेट मेथड है. हार्ट पे ही डिपेंडेंट रहेगा जब तक स्टर्नम को बीच से चीरा ना जाए और ओपन नहीं किया जाए क्लैंपिंग तक, तब तक वो कहां से वेंटिलेशन लेगा, सांस कहां से लेगा, लंग से लेगा ना. उसके बाद वो ट्यूब से सांस लेना भी बंद कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बात समझ में आ गया, इसे कि वो हार्ट लंग मशीन पे आ जाएगा, ठीक है. जब वो खुल जाता है ना, तब हम सिर्फ ओरली ही बोल देते हैं. बात क्या होता है कि ये सारे चीज को बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है. तो बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए मैं फिर बोल देता हूं, एक तो सब क्लेवियन है ना, सबक्लेवियन आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है. तो सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है. यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी से कनेक्शन निकाला जाता है और ये जो ग्राफ्ट किया जा रहा है ये आपको यूजुअली इसको कहते हैं हम लोग थोरैसिक आर्टरी, ठीक है. थोरैसिक आर्टरी निकाला जाएगा है ना, और वो थोरैसिक आर्टरी को कनेक्ट कर दी जाएगा क्या चीज से, हार्ट के वो जगह पर जहां पे ब्लड नहीं मिल रहा है. जैसे ये एक कॉर्नरी आर्टरी है और इसका ये पोर्शन ब्लॉक कर गया, ये वाला पोर्शन क्या किया, ब्लॉक किया. तो क्या करेंगे कि सब क्लेवियन से डायरेक्ट यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा. एक टेक्निक तो ये हो गया सब क्लेवियन से. दूसरा सेफनस वेन में क्या किया जाता है कि आयोटा के आर्क से हार्ट को जोड़ दिया जाता है. जब ये सारे कामों को कर दिया जाएगा, ग्राफ्टिंग वाला काम कर दिया जाएगा, तो अब क्या किया जाता है कि हार्ट में इलेक्ट्रोड के जरिए झटका देके हार्ट को रिस्टार्ट कर दिया जाता है. तो हार्ट क्या करेगा, सिकुड़ना फैलना चालू करेगा, क्लैंपिंग को हटाया जाता है, मशीन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, मशीन से अब डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और हार्ट अपना सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर देता है. तो यही हो गई सी ए बी जी. ये
ये जो है 5 से 6 घंटा तक ये सर्जिकल प्रोसीजर चलता है प्लान करके करने पर, क्योंकि इसमें हर का काम बड़ा बटा हुआ है, बहुत सेंसिटिव वर्क है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ओके, थैंक यू, मेरा वीडियो भी तैयार हो चुका है।